हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीतल सरस्वत एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट एंड कीज इन रिएक्ट जेएस। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं बता देती हूँ कि लिस्ट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सपोज दैट हम कभी भी घर से मार्केट जा रहे होते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या लाना है। तो उससे क्या होता है, हमारा टास्क ईजी हो जाता है। अगर हम लोग लिस्ट बना के नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमें उसे याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि अगर हमारे पास सामान की लिस्ट ज्यादा है तो। जी हाँ फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस में भी लिस्ट सिर्फ इतना ही काम करने वाली है। लिस्ट को अगर हम एचटीएमएल में बात करें तो लाइक हम लोग यूएल एलआई में बना लेते थे, या उसे हम डिव के थ्रू भी कैसे बना सकते हैं, किसी भी चीज की लिस्ट को हम कैसे शो करा सकते हैं एंड उसकी कीज कैसे हम सेट कर सकते हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ब्लैंक फाइल बनाई हुई है index.js, जिसपे हम लोग हमेशा फर्स्टली यहीं से हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रिएक्ट इम्पोर्ट से। मैंने रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लिया है। देन उसके बाद में मेरे को रिएक्ट डोम को इम्पोर्ट करना है, बिकॉज मेरे को देखना है कि मेरे को रेंडर क्या कराना है। एंड नाउ यहाँ पे मैं रेंडर फंक्शन स्टार्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो आज मैं क्या करूंगी, मैं लिस्ट नाम से एक कंपोनेंट बनाऊंगी। देन उसको मुझे शो कहां पे कराना होगा, रूट में। अब मैंने क्या किया, एक लिस्ट नाम से कंपोनेंट बना लिया। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जाके नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज, वहां पे मैंने कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज पहले उसको देखिए। देन मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेती हूँ लिस्ट के नाम से। अभी मैं उसमें कोई भी प्रॉप्स को पास नहीं कर रही हूँ एंड मैं रिटर्न करा देती हूँ किसी भी एलिमेंट को। सो, अभी मेरे को रिटर्न क्या कराना है, अभी मेरे पास लिस्ट तो कुछ भी है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले अपना लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ फर्स्टली, जिसको मैं कॉन्स्ट के थ्रू डिफाइन करती हूँ। फ्रेंड्स, लिस्ट को बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे हम लोग एरे यूज करते थे सेम हमें वैसे ही बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये अपनी लिस्ट बनानी है कि मेरे को क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड हैं। तो मेरे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे लिस्ट आइटम्स हैं। देन इसको मैं क्या करूंगी, मेरे को लिस्ट में मैप कराने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक मैप फंक्शन का यूज करना होगा। तो फर्स्टली मैं क्या करूंगी, यूएल को, मैंने यूएल एक पेरेंट आइटम हो गया तो मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया। देन अब मुझे क्या कराना है, मेरे को यहाँ पे एक मैप फंक्शन चलाना पड़ेगा, किसके लिए, लिस्ट आइटम्स के लिए। फ्रेंड्स, मैप फंक्शन में आपको बता दूं, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आगे चल के, क्योंकि रिएक्ट में अगर हम मैप यूज नहीं करेंगे तो सपोज हम जैसे लूप चलाते थे हम वैसे ही मैप को यूज करेंगे, और अगर हम लोग मैप यूज नहीं कर रहे हैं अभी तो आगे चल के हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात होने वाली है। मैं अभी क्या करती हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए मैप चलाने वाली हूँ। देन उसके बाद में मैं एक जेसन फाइल भी बनाऊंगी, देन उसके लिए भी मैं लूप चला के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जिसको हम जेक्वेरी में लूप बोल सकते थे, यहाँ पे हम लोग उसका मैप के थ्रू यूज कर रहे हैं। मैप का मतलब हुआ कि हमारे पास में जितने आइटम्स हैं, सपोज हमारे पास आइटम्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे पास 5 आइटम्स है, मीन्स यहाँ पे मैंने लूप चला दिया, 5 टाइम्स मेरे पास लूप चलेगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या ले लिया, एक आइटम ले लिया, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना देती हूँ। देन मैंने, मेरे को क्या करना है, यूएल मेरे पास में ऑलरेडी है जो कि मेरा पेरेंट आइटम है, तो मेरे को उसके अंदर क्या करना है, मेरे को एलआई बनाना है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आइटम को ही शो करा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने यहाँ पे सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है एंड मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में लिस्ट आ गई है 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देती हूँ, ये मेरे पास यूएल आ गई है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए, ये 5 एलआई आइटम्स बन गए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 5 मेरा नंबर्स था, मींस मेरे मैप ने क्या किया, एक लूप चला दिया कि पहले उसने एरे को गेट किया, एरे में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, 5 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, 5 टाइम लूप चला दिया, 5 टाइम्स ही मेरा एलआई बना दिया। एंड एलआई के अंदर मुझे क्या उसने दिखाया, जो कि मेरे एरे का आइटम था। तो ये देखिए, मेरे पास ये एलआई बन गई है, ये एलआई में सब में डेटा आ गया है।
तो फ्रेंड्स अगर मैं कंसोल की बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास में क्या एरर दिखा रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रोप। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमारे पास में यूनिक की बात आ रही होती है वहां पे हम लोग समझ जाते हैं कि यूनिक क्या है, एक आइडेंटिफायर हमें चाहिए की को। तो फ्रेंड्स अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि की क्या होती है, की सपोज दैट जैसे एक चाबी होती है तो वो क्या करती है, ताले को खोलती है। मींस हमारे लॉक के अंदर जो भी चीज है हम उसको कैसे यूज करना है, पहले हमें उसके लिए की सेट करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग की को सेट नहीं करेंगे तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सपोज ये तो मैंने सिंपली नॉर्मल एक्सेस कर लिया, लेकिन मेरे को चाहिए कि मेरे को ओनली थर्ड वाला नंबर गेट करना है। ये अभी मेरे पास 5 नंबर थे तो मैं इजीली देख पा रही हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1000 हो जाए या लैक्स में मेरे पास में डेटा हो जाए तो उसमें हमें की बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो ये क्या सिंपली बोल रहा है कि यूनिक की प्रोप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्रोप कैसे यूज करते हैं ये हम लोगों ने देखा ही हुआ है। एलआई के बाद में मैंने जस्ट क्या लिया, एक की ले लिया। अब की के अंदर मेरे को क्या वैल्यू लिखनी है, मैं ये आइटम भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास में जो ये नंबर होगा वही मेरे पास में यहाँ पे बन जाएगा। फ्रेंड्स प्रॉप्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टी। तो मैंने ये एलआई की एक प्रॉपर्टी सेट कर दी की, देन मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास में ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में एरर चली गई है। बट अगर ये आइटम की वैल्यू आ रही है ये वाली, लेकिन अगर मैंने इसमें क्या किया, मैंने 2 को जस्ट 2 बार लिख दिया यहाँ पे, तो मेरा मैप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6, मेरा 6 टाइम मैप चलेगा, मेरे पास में 6 एलआई बन के आ जाएंगी। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखिए इसने मेरे को क्या बताया, एनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद द सेम की 2। मींस इसने मेरे को क्लियरली बोल दिया कि आपने की को यूज तो किया लेकिन वो यूनिक नहीं है क्योंकि इन दोनों की सेम हो गई है। सो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर और ले लेती हूँ इंडेक्स के नाम से। सो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी इंडेक्स को शो करा दूंगी एंड मैं यहाँ पे एक मैसेज के थ्रू भी शो करा देती हूँ, इट इंडेक्स वैल्यू इज इंडेक्स, ताकि हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास एरर चली गई है बिकॉज मेरे पास यूनिक की आ गई है। ये देखिए मैंने 1 को स्टोर किया था 0 इंडेक्स पे, 2 मेरे पास है 1 इंडेक्स पे एंड 2 अगेन 2 इंडेक्स पे। एरर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि हम लोग इंडेक्स को यूज करें। बट अगर हमारे पास में कोई हमारे पास जेसन फाइल बनी हुई है या कोई हमारे पास में मल्टी टाइप का ऐसा एरे है जिसमें हमारे पास आईडी भी आ रही है या वो यूनिक आईडी है, सपोज दैट अगर हमारे पास में एक एम्प्लॉय आईडी होती है तो वो क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारा रोल नंबर होता था, तो कभी भी रोल नंबर 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता था, तो सेम वैसे ही यहाँ पे की भी सेम नहीं हो सकती। सो अगर हमारे पास में कोई आईडी बनी हुई है देन मैं प्रेफर करूंगी कि हम लोग इंडेक्स की जगह आईडी लें। एंड मैं बता दूं कि की को यूज करना तो जरूरी होता है, अगर हम की को यूज नहीं कर रहे हैं तो ये हमें एरर शो कराता है बट की को ये कभी भी यहाँ पे नहीं दिखाता। ये देखिए जितने भी एलआई है मेरे पास में सारे नॉर्मली सिंपल तरीके से आ रहे हैं, कहीं पे भी मेरे पास में की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये तो हुआ कि एक मैंने सिंगल एरे ले लिया, लेकिन मैं बात करूं अगर मेरे पास में कोई डेटा हो जाए कि जिसकी आईडी भी हो, नेम भी हो या ईमेल आईडी भी हो, देन हम उसमें मैप फंक्शन कैसे कॉल कराएंगे, बिकॉज लिस्ट को जानने के लिए हमें मैप फंक्शन चलाना ही पड़ेगा, बिना मैप के हम लोग इसको लूपिंग नहीं करा सकते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक जेसन की अलग से फाइल बना लेती हूँ। मैं जस्ट क्या करती हूँ, एक मैंने टीम डेटा के नाम से JSX फाइल बनाती हूँ। तो JSX फाइल मैंने पहले भी बताई हुई थी, जावास्क्रिप्ट XML एंड यहाँ पे मैं फ्रेंड्स इस फाइल को भी मेरे को क्या करना होता है, कैप्स लेटर से ही स्टार्ट करना होता है। देन मैं यहाँ पे एक डेटा बनाती हूँ, आईडी ले लेती हूँ, आईडी मैंने 1 सेट कर दिया, नेम ले लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे
इनवर्टेड कोट लगा रही हूं। देन मैंने ईमेल लिया, आई जस्ट सेट शीतल @gmail.com एंड इसी डेटा को मैं रिपीट लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टू सेट कर दिया एंड ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पे कोड लगाना है या कहाँ पे नहीं लगाना है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने लिस्ट आइटम लिया हुआ था, अगेन मैं अपने पहले ही एग्जांपल पे आ गई हूँ एंड मैं अगर यहाँ पे ये लिख देती हूँ शीतल सारस्वत, मैंने दो एलिमेंट ये अलग अलग ले लिए, एरे में वैल्यू पास करा दी है, मैं इसी को मैप कराती हूँ। तो ये देखिए इसने क्या किया, मेरे को एरर शो करा दिया। क्यों कराया? क्योंकि शीतल एंड सारस्वत क्या हुआ, ये स्ट्रिंग हो गई है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, शीतल एंड इट्स इंडेक्स वैल्यू 0 एंड इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 हो गई है। सो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत हो कि एरे में मैंने कहीं पे इन्वर्टेड ये कोट लगाया हुआ है, सिंगल कोट, कहीं पे मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो जहां पे भी आप लोग ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं वहां पे हमें जरूरत नहीं है, एंड जहां पे हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं वहां पे हमें लगाना पड़ेगा। तो मेरे को क्या चाहिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आ जाती हूँ मैप के लिए। तो मैप में मेरे को क्या डेटा लेके आना है, मेरे को ये डेटा लेके आना है। इसके लिए क्या होगा, मेरे को टीम डेटा को यूज करना पड़ेगा, और टीम डेटा को यूज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कराना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग एक्सपोर्ट का क्यों यूज कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट हमने यहाँ से इसलिए किया एंड सेम नेम से एक्सपोर्ट किया ताकि हम यहाँ पे उसको आके इम्पोर्ट कर सकें। तो मैंने क्या किया, टीम डेटा को इम्पोर्ट कर लिया है। अब मेरे को टीम डेटा यूज करना है, तो मेरे को यूज कैसे करना है टीम डेटा, मैं क्या करूंगी, अभी मैं क्या कर रही थी, लिस्ट आइटम्स डॉट मैप कर रही थी, बट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को टीम डेटा को मैप करना है। मींस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, टीम डेटा को मैप मैंने कर दिया। देन मैं यहाँ पे आइटम की जगह सेट कर देती हूँ अपना टीम, एंड मैं क्या ले लेती हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, फ्रेगमेंट मैंने ले लिया है बिकॉज अभी मैं इसको डिव में बनाने वाली हूँ एंड उसी डिव को मैं रिपीट कराऊंगी। तो ये मैंने डिव ले लिया, ये आइडेंटिफाई कराने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल भी लगा देती हूँ मार्जिन। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको याद दिला दूं कि मैंने इम्पोर्ट सीएसएस की भी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने मार्जिन हाइफन टॉप लिखते थे, लेकिन हम यहाँ पे मार्जिन एंड कैप्सिमिटी इस टाइप से लिखेंगे। देन मेरे को यहाँ पे रिपीट कराना है, क्या रिपीट कराना है, मेरा रिपीट ये डिव हो जाएगा और उस डिव के अंदर मेरे को 3 टाइप्स की वैल्यू चाहिए। क्या क्या वैल्यू चाहिए मेरे को, आईडी की चाहिए, नेम की चाहिए एंड ईमेल की चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, आईडी इक्वल्स टू टीम डॉट आईडी। तो अब इसने क्या किया, टीम डेटा ने अपना टीम में सारा डेटा ऐड कर दिया है। तो मैं अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे टीम डेटा यूज नहीं करूंगी, मैं अब टीम को यूज करूंगी। मेरे को टीम डेटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अब चाहिए अब मेरे को टीम से मिलेगी। तो मैंने क्या किया, टीम आईडी ले लिया, यहाँ पे मैं बीआर लगा देती हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए नेम। इसमें मैंने, फ्रेंड्स ये हमेशा ध्यान रहे, जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर ये हमने बनाए हुए हैं, हमने जो यहाँ पे कांस्टेंट लिए हुए हैं, हमको सेम चीज यहीं पे आके यूज करनी पड़ेगी। मैंने ईमेल ले लिया, ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में डेटा आ गया है। मेरा लूप कितनी बार चला है यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। मैंने लूप में क्या लिया था, डिव लिया था जिसका मैंने मार्जिन टॉप 40 पिक्सल सेट किया था। मींस मेरा जो ये डिव था वो कितनी बार चला, 2 टाइम चला। 2 टाइम क्यों चला,
क्योंकि मैप हुआ टीम डेटा में। टीम डेटा में कितने हमारे, ये एक जेसन फाइल मैंने बनाई है, इसमें कितने हमारे पास डेटा है, इसमें हमारी टू डेटा है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे वन और डेटा बना देती हूँ। मैंने इसको थ्री कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शर्मा, लिख देती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा लूप कितनी बार चल गया, थ्री टाइम मेरा लूप चल गया है। तो मींस रिजल्ट ये है कि जितनी बार भी मैं टीम डेटा में अपडेट करूंगी, मेरे को अब अपनी फाइल में जाके कोई चेंज नहीं करना, मेरे को सेट करना है कि टीम डेटा में हमारा जितना भी कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसकी अभी मेरे पास थ्री रो है, मैं टेन रो या हंड्रेड रो में कितनी भी रो बना सकती हूँ, मैं सिर्फ एक रो को रख सकती हूँ। जितनी मैं वहां पे रोज रखूंगी, जितने मैं वहां पे आइटम डिक्लेयर करके रखूंगी, मेरे पास उतनी ही बार मैप चलेगा। बट फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको फिर से एक चीज बता देती हूँ कि इसने फिर से हमें क्या बोला है कि लिस्ट का की प्रॉप होना चाहिए। तो मींस जब हम ULLI में बना रहे थे तो हमने LI को रिपीट कराया था, LI को रिपीट कराया था, तो मैंने LI का की सेट किया था। एंड अभी मैंने क्या किया, इस डिव को यूज किया है, तो मैं ये डिव में की सेट करूंगी। जस्ट अ मिनट, टीम में मैंने यूनिक आइडेंटिफायर क्या बनाया, आईडी के नेम से बनाया है। तो अभी हम लोग पहले क्या कर रहे थे, उसका इंडेक्स यूज कर रहे थे, अब मेरे को इंडेक्स यूज नहीं करना, अब मेरे को टीम आईडी यूज करनी है। तो ये देखिए मेरी एरर चली गई है एंड मेरे पास ये डेटा आ गया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कितनी बार कोड लिखा, मैंने सिर्फ वन टाइम कोड लिखा, लेकिन वो मेरे पास कितनी बार में चला, ये स्पैन BR स्पैन जो कि मैंने तीन स्पैन बनाए हुए थे ये, एंड वो कितनी बार हो गए हैं, यहाँ पे भी थ्री टाइम्स स्पैन आ गए हैं एंड यहाँ पे भी थ्री टाइम्स स्पैन आ गए। एंड फ्रेंड्स, मैं वन मोर क्वालिटी आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जैसे ही हम इसको कंट्रोल यू करके अपना कोड चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए ये जो div id root है वो हमेशा ही हमें ब्लैंक शो करेगा। फ्रेंड्स, यूजर कभी भी आपके कंट्रोल यू करके हमारे कोड को चेक नहीं कर सकता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो गया है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, बिकॉज अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं कॉन्स्टेंट सिर्फ एक एरे के थ्रू नहीं लेके आ रही हूँ, अब मैं जेसन के थ्रू अपना डेटा लेके आ रही हूँ। एंड मैं मैप फंक्शन भी यूज कर रही हूँ, मैंने की प्रॉप्स भी यूज कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि लिस्ट एंड कीज, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया है। बट तब भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, कुछ नया सीखते हैं। ओके, थैंक यू।